हेलो एवरीवन, नमस्ते। जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल सब ब्लॉग बनाने लगे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना ट्राई कर लूँ। डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं हम भी, पर हम थोड़ा अलग ट्राई करेंगे। आप में से कुछ लोगों को जानते होंगे, मैं क्रिकेट काफ़ी पसंद करता हूँ, तो बस लोकल टूर्नामेंट्स जो भी होंगे उस पर धीरे धीरे छोटे छोटे ब्लॉग्स हम बनाते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। बाकी जो लोग नए हैं वो जानते हैं, जिस तक ये वीडियो पहुंची है, तो उन लोगों को मैं बता दूं, मैं निर्माण क्षेत्र से संबंध रखता हूं और मेरा नाम निवेश चौहान। बाकी आज हम जा रहे हैं मैच खेलने सराहन, भीमाकाली सराहन, लेदर बॉल मैच है, मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा हूं। वैसे आज हमारा निर्माण स्टेडियम में भी मैच था, वो विलेज वाइज मैच है। मेरे गाँव की टीम यहाँ पर खेल रही है, पर मैं जा रहा हूँ सराहन क्योंकि मेरे को लेदर से खेलने का बहुत शौक है। पहली बार मौका मिला है, बस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहता। एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि मेरे पास ब्लॉग बनाने कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, कैमरा फेस करने में भी डर लगता है, सच्ची सी बात। और मैं अभी भी जहाँ भी वीडियो बना रहा हूँ, इधर आसपास कोई घर ना लोग कोई नहीं है, अकेले में ट्राई करूँगी बनाने की, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर मेरे से कोई माइनर सी गलती थी उसको तो इग्नोर करना ही करना, कोई मेजर गलती भी हो जाए उसको भी इग्नोर कर देना, क्योंकि स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं, इतना तो कर सकता हूँ। बाकी अभी हम चले हैं निर्माण के लिए, वहाँ से बाकी टीममेट्स कुछ गाड़ी में आएंगे, उनको रुकेंगे, उनके साथ चलेंगे। ये कुरपन वैली का एक छोटा सा व्यू, और जो चैनल मैंने बनाया है निवेश चौहान ब्लॉग्स, नाम में टेम्प्रेरी रखा है, मैं कुछ नाम मिल नहीं रहा था अच्छा सा, क्योंकि जो मेरा ये चैनल जो होगा इसमें जो वीडियोस आएगी ये मैक्सिमम क्रिकेट बेस्ड वीडियोस होगी ज़्यादातर, जो भी मैं तो टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ, लोकल टूर्नामेंट हो गया चाहे जो भी हो गया, तो क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा वो रहेगी। बाकी कुछ अगर नाम कुछ मेरे को बाहर तक अच्छा मिलता है तो मैं चैनल का नाम वो रख दूँगा। आप लोग अपने बारे में थोड़ा और बताता हूँ, मेरा नाम निवेश चौहान, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और मैं एक स्टूडेंट हूँ अभी BA सेकेंड ईयर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामपुर में। और मेरे नेक्स्ट मंथ, आज डेट है 22 तारीख आज है, और 2 तारीख से मेरा एग्ज़ाम है, मैच खेलने चला हूँ अभी इन्हीं में, आगे भी काफ़ी मैचेस खेलने हैं, इसके बाद मेरे को निर्माण भी जाना है, बावा में मैच है Under-22 पंचायत लेवल के, वहाँ भी जाना है, और एक हिस्टोरिक जीरो कप होता है बागा स्नान में, काफ़ी फेमस जगह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसने नहीं सुना होगा सुन लो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है बागा स्नान, काफ़ी अच्छी जगह है, आप घूमने आ सकते हो। वो जीरो कप होता है, वो काफ़ी फेमस है, मेरे को वो खेलना है। प्रॉब्लम ऐसी वो स्टार्ट 1 तारीख से होता है, 1 अप्रैल से, और 2 अप्रैल से मेरे एग्ज़ाम है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं कैसे करते हैं। अपकमिंग वीडियोस उन पे बनाने की कोशिश करूँगा, जाऊँगा और अच्छे खेलने की कोशिश करूँगा। अभी तक मैं जहाँ भी खेला हूँ वहाँ मैंने काफ़ी अच्छा खेला इस साल। बाकी नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, _niveshchauhan_ ना, हाँ ये था, वहाँ पर मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रील्स पे अपलोड की है, आप देख सकते हो मैं कैसे खेलता हूँ कैसे नहीं। तो ये है निर्मल का फेमस कंस्ट्रक्शन है, कब निर्मला सीढ़ियाँ, बचपन में इसमें रेस लगाते थे और रोज़ इनको गिनना काउंटिंग करना कितनी है ये, तो ये 315 to 318 इनके बीच आती है टोटल, ऊपर तक बॉल भागे हैं मैंने, गिरे आज तक नहीं, पर इसी बात का कमेंट है। सराहन नाटी ग्राउंड, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, देखते हैं मैच कब तक होता है। मौसम थोड़ा साफ होता हुआ, हम थोड़े लेट पहुंचे थे तो एक मैच हमारे से पहले शुरू हो गया, हमारा थर्ड मैच, काफी इंतजार करना पड़ा इसका।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं किट में, तैयार है मैच खेलने के लिए। इसके बाद हमारा मैच टॉस जीत कर हमने फील्डिंग करने का फैसला लिया है। देखते हैं क्या होता है। इस कोने से ग्राउंड का व्यू एक काफ़ी सुंदर ग्राउंड नराठी स्टेडियम। फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ लेदर बॉल से, देखते हैं क्या होता है। खेल पाता हूँ कि नहीं, कैसा खेलता हूँ, हार जीत होती रहती है। अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाऊँगा। मिलते हैं इनिंग के बाद। तो फर्स्ट इनिंग होगी, ये टारगेट है 132-131 पड़े 15 ओवर में। बैटिंग की बारी, सच में थोड़ी डर भी लग रही है, पहली बार लेदर से मैट पे, अच्छे ग्राउंड पे, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। जमा ताली, मिलते हैं अपनी इनिंग के बाद। ज़्यादा देर होने की वजह से बैट लाइट होती हुई, तो कल सुबह 8 बजे बुलाया मैच करने। मैं नॉट आउट खेल रहा हूँ अभी 76 पे, 3 विकेटें हमारी 36 गेंदों पे 57 रन चाहिए, और कल सुबह 8 बजे मिलते हैं बाकी 8 रन में। तो दोस्तों सिचुएशन अब कुछ ऐसी है, मैं सहन नहीं हूँ आज। मैंने बताया जैसे कि मैं आधा मैच हुआ, आधा कल सुबह होगा। 57 रन चाहिए हमारे 36 बॉलों में, टफ है। मैं टिका हूँ अभी भी, मेरे साथ एक और है वो भी ठीक खेल रहे हैं, देखते हैं कर पाते हैं चेज कि नहीं। और रात काफ़ी हो गई थी, तो मेरे जो बाकी टीममेट्स हैं वो थोड़े उस लाइन में, तो वो चले गए। फिर मैं सोचा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे फिर मेरे डब्बे में मेरी बड़े दादा की पोती दी है इधर, दीदी के वहाँ पर खेल रही, तो मैं खाना बना खा के गया। सुबह 8 बजे ग्राउंड, आगे की तैयारी। रात को नींद आई थी, नहीं आएगी, मैं यही सोच रहा कल रन कैसे बनाऊंगा, जिम्मेदारी है। देखते हैं क्या होता है। सहन से एक नजारा सामने का, 8 बजने वाले हैं, चलते हैं ग्राउंड की तरफ मैच के लिए। तो मैं आ चुका हूँ रोड में दीदी के घर से, बाकी टीममेट का वेट हो रहा है। एक बहुत सुंदर सा मंदिर, पता नहीं किसका मंदिर है पर काफ़ी सुंदर, क्ले गाँव में। बाकी टीमें आते हुए स्कॉर्पियो में 12 बंदे आए। नराठी स्टेडियम पहुंच चुके हैं हम सुबह, टाइम हो रहा है 8:30, 9:00 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा 36 में। तो गाइस मैच शुरू होने वाला है, मैं पैडअप हो चुका हूँ, देखते हैं अब थोड़ी देर मैच शुरू हो जाएगा। 36 गेंदे 100 रन, लेट्स गो। तो दोस्तों रिजल्ट रहा मैच का कुछ ऐसा, हम थोड़े थोड़े से हार गए, दुखद खबर काफ़ी है, फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। पहली बार लेदर बॉल क्रिकेट से, बैटिंग ठीक ही मैंने एवरेज ऐसी, कुछ सीखने को मिला, कुछ गलतियाँ उसको आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे, और चलते हैं घर की ओर। एक जगह और मैच है, देखते हैं वहाँ पर पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। विलेज वाइज मैच है अपने गाँव का, गाँव की टीम के साथ खेलना पड़ेगा, टाइम पर पहुँच गया। चलते हैं घर की ओर, बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं तो पीछे काफ़ी समय से इस टीम के लिए सेवाएं देते थे, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला इस टीम के साथ, तो आप बताएं ज़रा अपनी टीम के बारे में। निवेश राम चले गए, काफ़ी अच्छा शॉट उनके द्वारा, यहाँ पे कौन सी दिशा में रन लेने की कोशिश, और वहाँ पे काफी अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही जबरदस्त शॉट वहां पे आगे थी गेंद, और आगे बढ़ गई गेंद को सीधे स्ट्रेट खेल दिया तीर की तरह, 4 रनों के लिए। इस ओवर में दूसरा चौका आता हुआ यहां पे, शानदार बल्लेबाजी यहां पे निवेश के द्वारा। देखते हैं तो थोड़ा सा आसानी होगी यहाँ पे रंगोरी की टीम, बैट्समैन चले गेंद
ना पिछली गेंद इसे खेल दिया, गाइड कर दिया यहाँ पे हेलमेट की दिशा में, वहाँ पे विकास मौजूद था, अच्छा दशक था यहाँ पे लकी का। एक बार फिर से गेंद पर चले राहुल की गेंद, काफ़ी अच्छी गेंद वहाँ पे, लेकिन उतना ही जबरदस्त शॉट, और वहाँ पे भी जरा गेंद के पीछे आसानी से गेंद को आठ ओवर लेके आए हैं यहाँ पे मैक्सी चले गए आगे थी गेंद, और फिर से यहाँ पे छह रनों के लिए। ये बल्लेबाज बिल्कुल भी वहाँ पे निवेश मौका नहीं दे रहा है किसी भी गेंदबाज को, शानदार बल्लेबाजी, लगातार दूसरा छक्का उनका साइड स्क्रीन में और साइड स्क्रीन के ऊपर से ही निकला बल्लेबाज का। आगे गेंद आएगी तो गेंद को बाहर ही भेजेंगे। मैक्सी चले उनकी गेंद फिर से, और शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। तो मैं पहुंच चुका हूँ निर्मल, टाइम हो रहा है 12:47। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पहला ब्लॉग मैं थक भी गया हूँ बहुत, दूसरी जगह मैच है वहाँ, तो वहाँ के लिए दौड़ रहा हूँ, तो कुछ अगर गलती वगैरह मैंने गलती हो माफ़ कर देना, बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।